आ रहा है विपरजॉय तूफान जिया। 24 घंटे के अंदर गुजरात के तटीय इलाकों में यह तूफान दस्तक दे सकता है। चक्रवाती तूफान यह विपरजॉय खतरनाक बताया जा रहा है। सभी एजेंसियां यही वजह है कि अलर्ट पर हैं। 15 जून तक अरब सागर में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। सूरत में बीजेपी ने चक्रवात के दौरान लोगों की मदद के लिए तैयारियां की हैं और खाने के पैकेट्स बनाने शुरू कर दिए। गुजरात के द्वारका में करीब 1300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हैं और गुजरात के द्वारका से हमारे साथ हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले तो अभी की स्थिति आप बताएं, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं कि खाई कब तक ये टकरा सकता है तटीय इलाकों से और इस वक्त क्या स्थिति वहां पर? देखिए, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, आज सुबह का जो लेटेस्ट 8:30 का बुलेटिन जो आने वाला है उसमें स्थिति स्पष्ट होगी, पर जो सुबह का 5:30 का बुलेटिन था उसके अंदर कहा गया है कि ये जो चक्रवाती तूफान है वो धीरे धीरे जखौ जो कच्छ का जखौ पोर्ट है उससे थोड़ा आगे जाएगा। द्वारका में अभी मैं हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ समंदर की जो लहरें हैं वो काफ़ी, समंदर जो है पूरा उफान पे है और आज कल से ज़्यादा जो है तीव्रता इसमें देखी जा रही है। जिस तरह से ये टाइड्स हैं आप देख सकते हैं, जो विजुअल्स हैं वो साफ तौर पे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो साइक्लोन का इफेक्ट है, चक्रवाती तूफान का इफेक्ट, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, आज और कल 2 दिन रेड अलर्ट द्वारका और कच्छ में किया गया है, मतलब कि भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जो बारिश है वो यहाँ पे भारी बारिश होगी दोनों जिलों में और जैसे जैसे ये चक्रवाती तूफान नजदीक आएगा तो उसका जो असर है वो असर देखने को मिलेगा। जो हवाएं हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड से जो है चलेगी, ये भी पूर्वानुमान किया गया। और जब ये चक्रवाती तूफान जखो के पास लैंड करेगा, लैंडफॉल होगा, तब जो हवाएं हैं वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी, तो उससे जो है वो नुकसान काफी हो सकता है। नुकसान काफी हो सकता है, हम देख पा रहे हैं कि अभी भी लहरें इतनी तेज उठ रही हैं। ब्रिजेश, आप एक बात बताएं कि जो तटीय इलाकों से सटे गांव हैं, उन गांव के लोगों को क्या कहीं शिफ्ट किया गया है? जो मछुआरे हैं जो नजदीक में रहते हैं उनको कहां शिफ्ट किया गया, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, जो मैंने आपको लहरें दिखाई वो लहरें आज की हैं और आज इस तरह की स्थिति है, पर प्रशासन ने 2 दिन पहले से ही जो तटीय इलाके थे वहां से, जो द्वारका की बात करें तो द्वारका के 44 गांव ऐसे थे कि जहां जो समंदर से सटे थे, तो वहां से जो है तकरीबन 5000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है सुरक्षित जगहों पर। द्वारका के पास जितने प्राथमिक स्कूल हैं या फिर मतलब प्राथमिक स्कूल या फिर नगर पालिका के जो हॉल है वहां पे सबको ले जाया गया है, वहां पे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई और साथ ही वहां पे पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि उनको कोई दिक्कत होती है तो वहां पे तुरंत ही पुलिस की मदद पहुंच पाए, प्रशासन की मदद हो पाए। तो पूरी तैयारियां जो है प्रशासन ने की है। तकरीबन 8 जिले हैं जहां पे स्थानांतर किया गया है और उसमें 37,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है, 37,000 लोग जो है जिनको स्थानांतरित किया गया है। तो पूरी तैयारियां कर ली है। अब जो बारी है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की होगी। एक बार तूफान जब गुजरात के तट पर पहुंचेगा उसके बाद जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटेंगे। ठीक है ब्रिजेश, बने रहे आप हमारे साथ। मुस्तफा शेख भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र मुंबई से। मुस्तफा, महाराष्ट्र मुंबई को लेकर आज के दिन क्या अलर्ट है और सुबह सुबह की तस्वीर भी आप दिखाएं। जी बिल्कुल, ये ताजी तस्वीरें आपको मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हाई टाइड है, 9:32 सुबह का जो वक्त है उसमें 3.92 मीटर तक की हाई टाइड रहने वाली है। समुद्र में इस वक्त हम जो देख पा रहे हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि तूफान के बाद की ही जो हलचल होती है वैसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि लहरें जो है एक तरफ चलती है, बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो बहाव है वो अलग अलग तरफ है और जब ये बहाव आप कह सकते हैं कि इन दीवारों पर पहुंचता है तो किस तरह से पानी जो है वो अभी भी ये आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ तक आ रहा है। तो इससे अरेबियन सी डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए मछुआरों की जो पूरी मूवमेंट है वो इस वक्त रोकी गई है और हाई अलर्ट इसलिए किया गया है कि हवाएं जो है वो तेज चल सकती है, बारिश हो सकती है, पानी जल भरा हो सकता है मुंबई में, और इसलिए लोगों को इस पूरे मौसम से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो यानी कि लोगों को बिल्कुल बीच के या फिर समुद्र को देखने के लिए निकट आने से मना किया गया पूरी तरह से, कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पर?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि चार बच्चों की जो है वो डूबकर मृत्यु जुहू के इलाके में मुंबई में हुई है। उसके बाद कल ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हुआ, तब बिपरजॉय का आप कह सकते हैं कि पूरा जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो लाइव दृश्य हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं इसको गेटवे ऑफ इंडिया से, यहाँ पे ये देखिए किस तरह से लहरें जो है ये दीवार से टकरा कर बाहर की तरफ आ रही है और उसके बाद पीछे की तरफ जा रही है, यानी कि लहरों का एक कोई जो बहाव होता है वो बहाव इस वक्त समुद्र में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी से हिलोरे मारने लगे हैं आपका और ब्रजेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी ये स्थिति है, लेकिन अभी जब तट से टकराएगा तो ये प्रचंड हो जाएंगे लहरें। तो अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 15 जून को गुजरात के कच्छ से टकराएगा। उससे पहले समंदर अशांत हो गया है, तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश कुछ हिस्सों में हो रही है। गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट है, केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और वो मौके पर मौजूद है। चक्रवात बिपरजॉय जो है वो 15 तारीख को कच्छ के मांडवी से लेकर पाकिस्तान के कराची तक टकराने की संभावनाएं जताई जा रही है। उसको देखते हुए जो कंडला पोर्ट है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है कंडला पोर्ट पर और जो पोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। दरअसल 1998 में यहां पे जो चक्रवात आया था जिसके चलते 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इस बार जब पहले से ही यह जानकारी है कि चक्रवात 15 तारीख को शाम को टकराएगा तो वैसे में पहले ही पोर्ट को बंद कर दिया गया है। जितने भी बड़े शिप यहां पे कार्गो शिप थे उन सब को समुन्दर में भेज दिया गया है ताकि शिप के अंदर नुकसान ना हो। जितने भी कंटेनर है उनको भी यहां पे ट्रक पे लाद दिया गया है ताकि वहां पे भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। कर्नाटक के तटीय इलाकों में इस तूफान से दहशत छाई हुई है। कर्नाटक के 73 गांव तूफान की चपेट में आ सकते हैं। 27,000 से ज्यादा लोगों को कोस्टल एरिया से निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीमें स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। लैंडफॉल के बाद से हवाएं तेज होंगी, बारिश आएगी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। वहीं पर 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल का समय रहेगा। महाराष्ट्र के पुणे में लोनावला ओवरब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में तेल टैंकर में बताया जा रहा है कि हादसे के बाद आग लगी जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सड़क पर दूर दूर तक आग की जो लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। तेल टैंकर को में जब आग लगी तो उसको बुझाने के लिए जो फायर फाइटर्स की टीम है वो जद्दोजहद भी करती दिखी। हरियाणा में सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने मांगे मानने के बाद से अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया और कुरुक्षेत्र में किसानों और प्रशासन के बीच में कई राउंड तक बातचीत चली जिसके बाद सहमति बन सकी। आगे देश के किसानों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर वो आंदोलन करते रहेंगे या बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में चल रहा किसानों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। सूरजमुखी की फसल पर एमएसपी की मांग पूरी होते ही किसान झूम उठे। कुरुक्षेत्र में 9 दिन से धरना दे रहे किसानों के मुरझाए चेहरे भी सूरजमुखी की फूल की तरह खिल उठे। किसानों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसान यूनियन का झंडा लहराया और एक दूसरे को बधाई दी। दरअसल किसानों और प्रशासन के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद दोनों में सहमति बन गई। सरकार ने किसानों की 2 मुख्य मांगों को मान लिया है जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सूरजमुखी की एमएसपी 200 रुपए बढ़ाई गई है। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस होंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई करार दे दिया। साथ ही टिकैत ने कहा कि आगे भी देश के किसानों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर आंदोलन करते रहेंगे। वहीं एसपी ने बताया कि किसानों की कमेटी के साथ बातचीत काफी सकारात्मक रही। वहीं किसानों ने कहा कि सरकार को समझ आ गया कि किसानों पर एक जगह लाठीचार्ज हुआ तो सारे किसान संगठन एक मंच पर आ गए। किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनने के कुछ देर बाद हाईवे पर लगा जाम धीरे धीरे खुलने लगा। मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र, आज तक।
बंगाल में पंचायत चुनाव के चौथे दिन भी हिंसा जारी रही। 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले हिंसा की घटनाओं में बंगाल में बम फूटे और इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में ही चुनाव होगा। ऐसा यहां क्या हुआ कि अचानक पुलिस भी भागने लगती है और पत्रकारों को भी पीछे हटना पड़ता है। यहां पर बम फेंका जाता है जिसका धुआं चारों तरफ दिखता है। राजनीति यहां खून से लथपथ है। बंगाल में पंचायत चुनाव का पथ दक्षिण 24 परगना जिले में पंचायत चुनाव के चौथे दिन यह हिंसा टीएमसी और पहली बार चुनाव लड़ने उतरे आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले 4 दिन का हाल यह है कि एक हत्या मुर्शिदाबाद में हो चुकी है। बम कई शहरों में फट चुके हैं। पत्थरबाजी हो चुकी है। नामांकन भरने से रोकने की कई घटनाएं सामने आई हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी के राज में केंद्रीय बलों की सुरक्षा घेरे के तहत ही चुनाव कराने की मांग बीजेपी और कांग्रेस ने की। अब कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला भी आ चुका है जिसमें तय हुआ कि संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना होगा। चीफ जस्टिस शिव गणमन और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य की डिविजनल बेंच ने कहा कि चुनाव से पहले ही हिंसा की 12 घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए राज्य चुनाव आयोग उन सभी जिलों में केंद्रीय बल लगाए जो संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जा सकता वहां राज्य पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले। कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय बल चुनाव के दौरान उपलब्ध कराने, खर्च उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी की निगरानी हो, जहां सीसीटीवी नहीं लगा सकते वहां चुनाव आयोग राज्य का वीडियोग्राफी कराएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। 5 साल पहले बंगाल के पंचायत चुनाव में 23 राजनीतिक हत्याएं हुई जिसके बाद इस बार ऐसा ना हो इसलिए हाईकोर्ट ने बड़े फैसले लिए हैं। ईडी ने हिरासत में लिया तो रो पड़े तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के तमिलनाडु के बिजली के मंत्री के घर पर छापेमारी हुई। पूछताछ के लिए अपने साथ में उन्हें पुलिस लेकर रवाना हुई और जांच के लिए मंत्री सेंथिल को अस्पताल में ले जाया गया। मामला दरअसल 2011 का है जब सेंथिल जयललिता सरकार में मंत्री थे। ओबीसी आरक्षण को लेकर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जेपी नड्डा ने जमकर हमला किया। जातिगत जनगणना के बारे में वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं। वहां नॉन क्रीमी लेयर को ओबीसी के भाइयों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं और इस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री और वहां के उप मुख्यमंत्री वहां के ओबीसी भाइयों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और उनके हकों का गला घोटा जा रहा है। समस्तीपुर में रेलवे ने डॉक्टर का क्वार्टर खाली नहीं करने पर पूरे परिवार को अंदर रहते ही क्वार्टर को सील कर दिया। दरअसल स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर डीआरएम के बेटे और एक डॉक्टर के बीच में विवाद हो गया जिसके बाद क्वार्टर के अंदर बुजुर्ग पिता के साथ ही पूरे परिवार के रहते हुए बाहर से क्वार्टर को सील कर दिया गया। वहीं मामले में डीआरएम ने कहा है कि रेलवे अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, इस कारण क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया गया। सील करने का आदेश नहीं दिया गया था। क्वार्टर को किसने सील किया यह जांच का विषय है और स्विमिंग पूल का कोई मामला नहीं है ऐसा वो कह रहे हैं। तो सामने नोटिस आया कि जरा कल 12 बजे तक खाली कर दीजिए नहीं तो सील कर दिया। खाली सील कर दिया, सील कर दिया जाएगा। इससे पहले कोई नोटिस उटिस नहीं। कल 9 बजे नोटिस आया जिसको मैंने अपना ये रिसीव कर लिया तो बोले रिसीव कर लीजिए नहीं करना हो अच्छी बात नहीं। अभी सील कर दिया, सील कर दिया गया है अभी 1 बजे में। उनका ड्यूटी हो गया है 12 तारीख को हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पूरा और उनको विधिवत हमने एक नोटिस दिया हुआ है निकलने के लिए और सील करने का कोई हमारा कोई ऐसा आदेश नहीं है। लेकिन सर बंगला सील था,
सील होगा तो देखिए मेरे को दो चीज लगती है, तो उन्होंने खुद सील कर लिया हो और कुछ बना दिया वायरल करने के लिए, दैट इज पॉसिबल। अगर ऐसा है तो, या अगर हमारे किसी आदमी ने किया तो मैं उसका पता करके बताऊंगा। अजमेर में होटल में दबंगई करने वाले आईपीएस सुशील कुमार बिश्नोई और तीन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। सभी पर नशे में होटल वालों के साथ मारपीट करने का आरोप है और मारपीट के विजुअल्स वायरल होने के बाद सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच के आदेश भी दे दिए गए। एडीजी इंटेलिजेंस मामलों की जांच कर रहे हैं और वारदात 11 जून की रात के 3 बजे। बिहार के खगड़िया में एक शख्स ने अपने 3 बच्चे और पत्नी की हत्या करके खुद भी जान ली। पारिवारिक कलह में उसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस के मुताबिक शख्स ने पहले अपने 3 बच्चों को मारा, फिर पत्नी की जान लेकर खुदकुशी कर दी और इस वारदात के बाद से पूरा शहर सन्न है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।